माय फ्रेंड्स, मैं आर्यन हुसैन स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पेट्स दीवानगी में। तो आज हम लोग सरदार डेयरी एंड कैटल फार्म का एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी नायाब सी जानवर को देखेंगे, ठीक है ना गाइस। तो चलते हैं वीडियो की तरफ में। एक शानदार सी जानवर को मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो उससे पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को सामने दिख रहा है। इस जानवर को पसंद करने के लिए, चाहने के लिए, इसके लिए बात करने के लिए भाई बेहतर है कि आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। ओनर का नंबर है, ठीक है गाइस। बहुत ही प्यारी सी हरियाणा की जानवर मैं आप लोगों को दिखाने आ रहा हूँ। तो आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, यही वो जानवर है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। और ये बहुत ही प्यारी सी ये हरियाणा की जानवर है। तो इसकी शेप एंड साइज, इसकी खूबसूरती, इसकी बनावट बहुत ही बेहतरीन है। बड़े पूट का जानवर है और बहुत ही खूबसूरत सी गोलाई है। इस हरियाणा जानवर का नाम जो है वो है आप लोगों का मेजो। मेजो जो है भाई, ये आप लोगों का मतलब सरदार डेयरी एंड कैटल फार्म के ओनर के द्वारा इस जानवर को नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। इस जानवर का नाम मेजो है सरदार कैटल फार्म की तरफ से, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारी से आप लोगों की हरियाणा की जानवर है जो कि मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। गुलाई बहुत ही बेहतरीन है, खूबसूरती बहुत ही बेहतरीन है, और सबसे बड़ी चीज़ है भाई इसकी शेप, ठीक है ना। अगर इसकी पीछे की गोलाई के साथ साथ अगर इसकी पूट की आप उभार देखें, चेहरे की बनावट देखें, और मतलब फुल टू शेप का जानवर है ये। एक नंबर का जो आप लोगों को जानवर दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये बाछी नहीं है, ये आपकी गाय है, बहुत ही खूबसूरत सी गाय है। तो हरियाणा की ये खूबसूरत सी गाय जो कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये आप लोगों का सरदार डेयरी एंड कैटल फार्म का है, ठीक है। माशाल्लाह इसकी अगर रंग रूप को देखें, इसकी सजावट को देखें, इसकी बनावट को देखें, तो बहुत ही प्यारी सी चीज़ है। एकदम रेडी जानवर है भाई। तो जिन भाइयों को भी यहाँ से जानवर चाहिए वो जल्दी से जल्दी जाएं, ओनर से कांटेक्ट करें, रब्ता करें, रेट सेट करें, और जाकर जल्दी से जल्दी आकर इस जानवर को बुकिंग कर लें। क्योंकि भाई देखिए, ये जो चॉइस वाले जानवर होते हैं ना, ये बहुत ही मतलब रेयर होते हैं, ठीक है ना। जो कि आप लोगों को अलग अलग कैटल फॉर्म्स में कुछ खूबसूरत से जानवर आप लोगों को, कुछ बेहतरीन से नगीने आप लोगों को इस तरीके से देखने को मिलते हैं। जो शौकीन हजरात बहुत ही खूबसूरत से जानवर को, एक शेप एंड साइज वाले जानवर को चाह रहे हैं और चाहते हैं कि भाई हरियाणा की बहुत ही दिलकश जानवर को अपने मतलब खूबसूरती का एक मतलब मिसाल बनाएं भाई, तो बेहतर है भाई कि आप जल्दी से जल्दी जाएं सरदार डेयरी एंड कैटल फार्म और इस जानवर को बुक कर ले। बहुत ही प्यारी चीज़ है। अब मैं इसे आप लोगों को अच्छे तरीके से इस वीडियो में दिखाऊंगा। जानवर को लाके बंधवा दिया गया है। देखिए, जानवर को दौड़ाने से जानवर की असल खूबसूरती समझ नहीं आती। जानवर को खड़ा रखकर दिखाना पड़ता है कि भाई इसकी खूबसूरती क्या है। और जो भाई लोग हमारे लेने वाले शौकीन हजरात हैं, जो जानवर को पसंद करते हैं ना, उन्हें जानवर को होल्ड करके दिखाना पड़ता है कि ये देखिए। जिस तरीके से आप लोग मतलब जानवर को ख़रीदने जाते हैं तो उसे निकलवा कर देखते हैं कि क्या मामले हैं। जैसे कि इसकी पूट की गुलाई देखें भाई, एकदम खड़े पूट का जानवर है। और चेहरे भी बहुत मतलब चेहरा भी बहुत ही खूबसूरत, सिंह की बनावट देखें एकदम। मतलब भाई हरियाणा का जानवर जो होता है ना, वो हरियाणा ही का जानवर रहता है भाई। ये जो चॉइस है भाई, ये टॉप क्वालिटी चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कुछ बेहतरीन से खूबसूरत से छुपे हुए ये आप लोगों के मतलब क्या कहा जा सकता है भाई, ये ख़जाने हैं, ठीक है ना। कुछ खुश छुपे हुए खजानों में से एक ख़जाना मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो कि आप लोगों का सरदार डेयरी एंड कैटल फार्म का है। एक एक डायरेक्शन से अच्छे तरीके से जानवर को देखें। देखिए भाई, पेट्स दीवानगी चैनल का मेन मोटिव यही रहता है कि जानवर को कस्टमर बेहतरीन तरीके से देखें और कोई भी तरीके का शक व शुबा ना रहे, कोई प्रॉब्लम ना रहे, और जल्दी से जल्दी आप लोग कॉन्टैक्ट कर लें। आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा, उसके बाद कैटल फार्म का नाम मिल जाएगा, कहाँ पे है, क्या जाना है, नहीं जाना है। ये वाला पोजीशन आप लोगों का बाबू डेयरी एंड कैटल फार्म, जहाँ पे मतलब 2022 के सीज़न में था, उसी जगह में आप लोगों को आना है, ठीक है। और सरदार डेयरी एंड कैटल फार्म, यहाँ के दो कैंकरेज भी काफ़ी मशहूर हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सिर्फ कैंकरेज ही मशहूर नहीं है, इसके अलावा साथ साथ हुई खूबसूरत से बेहतरीन हरियाणा जानवर भी यहाँ पे हैं। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि बागीचा को बागीचा की तरह दिखाना चाहिए, ठीक है ना। दो फूल दिखाकर दूर हो जाने से बेहतर नहीं है भाई, बेहतर है कि हर फूल की खूबसूरती को दिखाकर चले, ठीक है। अगर गुलाब की एक अपनी खूबसूरती है ना भाई, तो फिर आपकी लोटस की एक अपनी खूबसूरती है, उसके बाद लिली की भी एक अपनी खूबसूरती है, जैस्मिन की भी एक अपनी खूबसूरती है। तो ये चीज़ मामले हो जाते हैं। बागीचे में घुस के सिर्फ दो फूल तोड़कर नहीं लाया जाता है, बल्कि पूरे के पूरे बागीचा को दिखाया जाता है। क्योंकि बागीचा जो होता है ना, माली बहुत मेहनत से तैयार करता है, वो सिर्फ दो फूल दिखाने के लिए नहीं, बल्कि तमाम जानवर को दिखाने के लिए। तो ये सब जो हरियाणा के जानवर जो कि सरदार डेयरी एंड कैटल फार्म से, जो शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, वो मैं आप लोगों के सामने हाजिर कर रहा हूँ। तो ये चीज़ पेट्स दीवानगी चैनल में बहुत ही मतलब मेन मोटिव रहता है भाई, कि हम लोग सब कुछ को लेकर चलते हैं, सिर्फ खूबसूरती नहीं, खूबसूरत होने वाली चीज़ों को भी हम लोग लेकर चलेंगे। तो ये मामले रहते हैं, ठीक है। तो जानवर बहुत ही बेहतरीन है, खूबसूरती बहुत ही बेहतरीन। जानवर की अगर बनावट देखें, गोलाई देखें, जानवर की पैटर्न देखें, पूट की मतलब उभार देखें,
और शेप एंड साइज देखिए भाई, ये जानवर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जो भी भाई शौकी नजर आते हैं उन्हें पहली नज़र में ये जानवर पसंद आ रही होगी। तो पहली नज़र में जब आप लोगों को ये जानवर पसंद आ रही है तो जल्दी से जल्दी ओनर को कॉल करें और इस जानवर के लिए बुकिंग कर लें, ठीक है ना गाइज। ये देखिए, तो चलिए कुछ और डायरेक्शन से हम लोग देख लेते हैं इसे। ये देखिए, ये बैक साइड से देखें इस जानवर की खूबसूरती भाई। अब अगर फर्ज करें ये जानवर सच के तैयार हो गई है, ठीक है ना, मुखौटा पहनकर और झालर पहनकर, तो सोचिए इसकी खूबसूरती क्या आएगी। इससे मैं इसलिए इस ऐसा निकाला हूँ ना भाई, ताकि खूबसूरती देखने वाले ना भाई नकाब में ही खूबसूरती देख लेते हैं। तो ये तो भाई निब्बे नकाब है आप लोगों के सामने, ठीक है ना। तो ये खूबसूरत सी जानवर को देखिए, गोलाई बहुत ही बेहतरीन, एकदम फुल टू रेडी जानवर है भाई। और मैं जैसे कि कहता हूँ कि सरदार डेरियन कैडल फॉर्म, ठीक है, सरदार कैडल फॉर्म का मेन मोटिव यही होता है कि आपको वाइड जानवर प्रोवाइड करें। ये इस कैडल फॉर्म की सबसे मेन थीम है और सबसे बड़ी चीज़ है कि वाइड जानवर को कस्टमर्स तक प्रोवाइड करना, ठीक है। काफ़ी सारे हम लोग कैडल फॉर्म में देखते हैं कि भाई जानवर की रंग रूप जो है ना वो बदल जाती है। तो भाई इस तरीके का काम ना करें कि मतलब कस्टमर की चॉइस फिर उस चीज़ से उड़ जाए, जो चीज़ जो है वही होनी चाहिए, ठीक है ना। लाल गुलाब लाल बेहतर है, काला गुलाब काला बेहतर है, सादा गुलाब सादा बेहतर है। सादा गुलाब को पकड़ के काला कर देने से पूरा गुलाब का खूबसूरती खत्म हो जाएगा। जो रियलिटी रहता है भाई, जो रियल कलर है उसे हाजिर करें। अगर कोई जानवर ब्लैक है तो उसे ब्लैक ही रहने दें और उसे ब्लैक ही दिखाएं। ग्रे जो नॉर्मली ओरिजिनल ग्रे ओरिजिनल होता है, लेकिन जो वाइट जानवर को शेडिंग दे दिया था ना ग्रे का, वो एकदम बेकार हो जाता है, ठीक है। और वो किस वजह से होता है ये आप लोग बेहतर जानते हैं, ठीक है। मैं उस मौजू में वहाँ तक उतना डीप जाना नहीं चाहूँगा, बस मैं यही कहूँगा कि जानवर को वाइट दिखाएं, जानवर को वाइट दिखाएं। कस्टमर की चॉइस वाइट जानवर पे होती है और जितना जानवर वाइट रहता है ना उतनी ज़्यादा खूबसूरती उसकी निखर कर आप लोगों के सामने आती है। तो ये चीज़ है, जानवर को देखें भाई, मतलब शेप देखें, खड़े होने का अंदाज देखें। हरियाणा का शेप एंड साइज से ही उसकी खूबसूरती की मतलब पहचान होती है। उनका खड़ा होने का अंदाज, सीना टान के एकदम खड़ा रहेगा, ठीक है ना। ये देखें, काफ़ी प्यारी सी जानवर है। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ भाई कि इस वाली वीडियो देखकर जो भी शौकीन नजर आते हैं वो जल्दी से जल्दी आएंगे और यहाँ से बात करेंगे। देखिए, सिर्फ बहुत ज़्यादा लोगों को जानवर दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जानवर ऐसे लोगों को दिखाओ जो वाकई शौकीन हो, ठीक है ना। भीड़ में काफ़ी सारे लोग बैठे रहते हैं, अगर मैं तो जानवर दिखाने पर आई तो करोड़ों लोगों का लाइन लग जाए, लेकिन जो शौकीन बंदे हैं मैं वहाँ दिखाता हूँ। मैंने अपने ज्योग्राफीज को एकदम चाप कर रखा है वीडियो का। वजह यह है, अगर इसका ज्योग्राफीज में सिर्फ और सिर्फ इंडियन ज्योग्राफीज रखूंगा ना भाई, तो ये मेन फोकस जाएगा कहाँ, जहाँ पे हम लोगों को दिखाना है। अब मैं ज्योग्राफीज को अगर ज़्यादा वास्ट कर दूंगा ना, तो फिर मैं ज्योग्राफीज को खोलता हूँ, लेकिन कब, जब लोडिंग अनलोडिंग का टाइम का शुरुआत होता है तब। अभी ज्योग्राफीज को मैं ज़्यादा डेवलप में मतलब बहुत ज़्यादा खोल कर नहीं रखता हूँ, इसलिए व्यूज़ को थोड़ा सा अटका कर रखता हूँ ताकि इंडियन व्यूज़ रहे। यहाँ जो मेन चीज़ है, यहाँ हम लोगों को दिखाना है जानवर, वहाँ रहे, क्योंकि वो वक्त जब आएगा जब मुझे अपने व्यूज़ को लंबा फाड़ कर ले आना होगा, तो वो कुछ सिस्टम है, सब नहीं जानते भाई। यूट्यूब एक बहुत ही खूबसूरत सा खेल है, जो समझ गया वो खिलाड़ी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, सही वक्त में सही चीज़ करना, ठीक है ना भाई। प्रैक्टिस मैच में लंबा लंबा छः मारने से नहीं होता है भाई, मेन तो ये होता है कि ऑन ग्राउंड उतर के लंबा लंबा छः मारा जाए। तो प्रैक्टिस मैच में जस्ट प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा स्ट्रोक कीजिए, थोड़ा खेलिए, थोड़ा सा आगे पीछे, थोड़ा कट्स निकालिए। तो ये चीज़ है, जब मेन मैच हो, जब फाइनल मैच आए ना भाई, तो मार के हौंक दीजिए। तो ये चीज़ दिखाई भाई, मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो पर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।